हेलो बच्चों, तो याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और जो उपयोगकर्ता जो कार्य करते हैं तो उनके बीच जो है कि एक रिश्ते बनाते हैं। अगर यानी कि जो यूज़र कोई काम करता है हार्डवेयर की सहायता से तो सॉफ्टवेयर जो है उनके बीच रिश्ता बनाकर उनके कार्यों को करवाता है। जैसे हम माउस चलाते हैं, कीबोर्ड चलाते हैं, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के कई कार्य होते हैं, जैसे आपका प्रोसेस करवाना, डेटा को चलाना, मेमोरी का प्रबंधन जो है यानी मेमोरी का मैनेजमेंट करना, फाइल सिस्टम का मैनेजमेंट करना, डिवाइस जो भी होती है इनपुट आउटपुट होती है उनको मैनेजमेंट करना, ठीक है, जो भी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी वगैरह देते हैं उनको प्रोटेक्शन करना, ये सारी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य होता है। यानी अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हमारी कोई कार्य को नहीं समझ पाता। इसके उदाहरण हैं विंडोज़ हैं, लाइनक्स हैं, अबंतु हैं, इत्यादि कई सारे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं।